अस्सलामुअलैकुम, हम लोग रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की चार नर्सेज हैं। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे मार्च में अपॉइंट हुए थे, कोरोना मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का इनोग्रेशन अभी तक नहीं हुआ। अक्टूबर में यहाँ से सारे पेशेंट होली फैमिली शिफ्ट कर दिए थे कोविड मैनेजमेंट के, और हमारा स्टाफ भी वहाँ पे ड्यूटीज़ के लिए जा रहा है कोविड की कवरेज के लिए, और हम लोग बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं ड्यूटीज़ के लिए। बट हमारा इशू ये है कि हमें ना तो रेगुलर सैलरीज दी जा रही हैं और ना ही हमें कोविड अलाउंसेस दिए गए हैं। अनटिल नाउ 8 मंथ्स हो गए हैं, हमें कोविड अलाउंस नहीं मिला जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था खुद, और हमारी सैलरीज बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। स्टाफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लास्ट 8 मंथ्स से, हमें पहले 2 मंथ्स की मिली, उसके बाद 3 मंथ्स की, और कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं मिली है 3 मंथ्स की भी। तो हमारा इशू ये है कि हम यहाँ पे अभी एडमिन का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ हम बात करें। हमारे AMS रिटायर हो चुके हैं, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट और MS हमारे कोई भी नहीं है यहाँ पे, और प्लीज़ हमारे इश्यूज़ को देखा जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद हमें हमारी हायर अथॉरिटीज़, हमारे PM और हमारे CM पंजाब की जानिब से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारे इशूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। हमें ड्यूटीज़ के लिए कोई इशू नहीं है, हम कहीं पर भी जाने के लिए एग्री हैं। ऑफकोर्स हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, बट द इशू इज़ कि हमें सैलरी दी जाए ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हों। थैंक यू सो मच अगर कोई हमारे इस वीडियो को देखे और हमें इस पर रिस्पॉन्स करें।